Guys, I'm gonna make a snowman. Foggy glasses, all this emotion. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I say, baby girl, you're wrong. She say she ain't got nobody. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आज अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा बकवास। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चटपटा बनाए। उनके गले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ चटपटा खाने के लिए बनाए, ताकि उनके गले की दिक्कत उड़ जाए। पति, व्हाट यू वांट टू ईट? मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनको ये मिठाइयाँ दे के गए हैं। वो गोवा से हैं एंड दे आर क्रिश्चियंस, और वो क्रिसमस के लिए सारी होममेड मिठाइयाँ दे के गए हैं पति को। सो पति इज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दीज। मुझे लगता है कि सारा कुछ ही उन्होंने घर में बनाया है। गोवन स्टाइल केक, मटरी, एवरीथिंग। ओके, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट डैडीज फ्रेंड्स। Eugene. His name is Eugene. Okay. सब पति कर रहे हैं गरारे, क्योंकि उनका गला अच्छा नहीं है। सो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा गरीब किस्म के आलू हैं। एक्चुअली मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाना चाहती हूँ। पति, तो डेली आलू चाट बनावा? आलू चाट, आलू चाट जिदा बांग्लादेश से बनाते हैं। मैं टेल हिम दैट बांग्लादेश आलू चाट। आलू पराठे बना लेंगे। आलू तो आलू को पील करते हैं आलू चाट बनाने के लिए। ऑलराइट, सो आलू चाट बनाने के लिए मैंने आलूओं को छील लिया है। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। गिनती के दो दो चार पाँच छः छः आलू है मेरे पास, वो भी बहुत छोटे। मुझे लगा से कि ज़्यादा होंगे, बट और हमारी चाट सिर्फ एक कॉली बनेगी, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वो कॉली हम खा लेंगे, पट्टी को नहीं। सो इसे हम कर लेंगे बॉयल माइक्रोवेव। सो आलू की पूरी के साथ खाने वाली सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, जैसे आपने देखा है, और इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर, टमेटो एंड ग्रीन चिली, दैट्स इट। और इसके बिना मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को मैं एक ही साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। एंड उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, जिसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर चीज़ें कुक करने के लिए। सो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा जब क्रैक होना शुरू हो जाता है, तो उसमें मैं टमाटर, अदरक एंड हरी मिर्च का जो मिक्सचर है उसे ऐड कर दूँगी। उसे हम अच्छी तरह कुक करेंगे। जब वो अच्छी तरह कुक होके तेल छोड़ देगा, तब मैं उसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली, थोड़ी सी हल्दी एंड ऑल्सो नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे फिर से कुक करेंगे। थोड़ा जब हल्दी कुक हो जाती है, तो उसमें हम उबले हुए आलू को मिक्स कर देंगे। आलू को थोड़ा थोड़ा तड़के में कुक करेंगे, एंड देन जो भी पानी मैंने यूज़ किया था आलू को बॉईल करने के लिए, वो सारा ही हम इसे इसमें डाल देंगे। जब तक पानी आधा नहीं रह जाता, तब तक हम आलू को कुक कर लेंगे सिमर पे, लाइक मीडियम हीट पे कुक कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह आलू एंड पानी मिक्स हो जाए एंड अच्छी प्यारी सी हमारी सब्ज़ी बन जाए। इस सब्ज़ी को ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, ना मैंने अनियन यूज़ किया है ना गार्लिक। बहुत ही मज़ेदार, ये यू नो, भंडारे जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है, पूरी के साथ बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना। ऑलराइट दोस्तों, तो आलू गैस पे रख दिया मैंने, हस्बैंड अपना टाइम पास, एंड हिम्मत बाहर प्ले कर रहा है स्नो के साथ। कल उसने वो मोटू सा स्नोमैन बनाया पहाड़ी जैसा, थोड़ी मैंने भी हेल्प की, पर हम बर्फ़ हमारे पास कम थी, तो हम अच्छी तरह बना नहीं पाए। फ्यूचर में बनाएंगे जब दोबारा अच्छी स्नो पड़ेगी। सो आज वो फिर से थोड़ा सा प्ले कर रहा है स्नो के साथ। सीधा हम हिम्मत को खेलने देते हैं, हम हमारी पूरियों की तैयारी करते हैं। पूरी का आटा ऑलरेडी मैंने भूल लिया है।
I made some bad mistakes. But I've been the same ever since you called my name. And I felt the change all the way down in my soul. Now when I feel weak, you say I'm okay. You saw me trusting. तो इस समय हिम्मत प्ले कर रहा है आउटसाइड और मैंने मेरी पूरियां तैयार कर ली हूँ. मैं सोच रही थी कि पूरी का आटा शेयर करूँगी पर सॉरी गाइस आई फॉरगॉट. एंड बहुत अजीब लग रहा है मुझे इतने समय के बाद वीडियो बना के. एक्चुअली यार मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पर मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई. पर अब हम कोशिश करेंगे कि अपलोड करते रहें. Alright, तो समय आ गया है मेरे खाने का. मैं खा रही हूँ आलू एंड पूरी सेम पत्ती के जैसे. एंड आलू देखते हैं कि कैसे बने. हस्बैंड ने कहा है कि अच्छे बने हैं पर हस्बैंड के रिव्यूज़ पे हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बार झूठ भी बोल देते हैं. क्योंकि कई बार मैं बहुत ज़्यादा वधिया चीज़ें बनाती हूँ फिर वो कहते हैं आपने वो मूवी देखी है होटल ट्रांसिल्वेनिया आई थिंक यही है. उसमें जैसे वो वैम्पायर नहीं करता ब्ला 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 वैसे करते हैं पति समरेस. बहु आलू बड़े वधिया बने ना. सो आलू मेरे पास थे ही चार पाँच. मैंने लगा कि इनफ नहीं होंगे पर हम तीनों के लिए इनफ हो गया. अभी भी थोड़े से बच्चे हुए हैं एंड अच्छे भी बने. मैं सोच रही थी कि आपके साथ पूरी का आटा शेयर करूं क्योंकि इस आटे से हर बार पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है. पर काली में बहुत ही हमें भूख लग रही है क्योंकि एक बज गया ऑलरेडी. सो मैं नहीं कर पाई हूँ अगली बार ज़रूर से करूँगी. सो यार ये है मेरा रिव्यू. बहुत अच्छा बना है हमारा नाश्ता. Wanna finish high school. Scared of making my mistakes. Okay, so breakfast करने के बाद मैंने मेरी किचन को समेटा नहीं है. मैं अपस्टेयर्स आ गई हूँ एंड मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं क्या करने वाली हूँ थोड़ा मसाज करूँगी. एंड यहाँ पे ये हीटिंग पैड है इसे गर्म कर लिया है मैंने. ओके हुआ यूँ कि जब हम कुछ भी कुक करते हैं तो घर पूरा उसकी खुशबू से फैल जाता है. स्पेशली जब कुछ फ्राई कर लो. पूरियाँ फ्राई करी है तो सारा घर पूरियाँ से स्मेल करना शुरू हो गया. तो हमने थोड़ी देर के लिए गराज डोर मेन डोर और बैक डोर ओपन करके रखा था ताकि वो पूरियों की खुशबू उड़ जाए. सो घर हो गया है पूरी तरह ठंडा. मैं भी ठंडी हो गई हूँ एंड मेरे पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है. तो मैं यूजली इस समय आके ऊपर थोड़ा रिलैक्स करती हूँ. जर्नलिंग करती हूँ कुछ लिखना लुखना हो या किताब पढ़ लेती हूँ मेरी. और यस तो अब यहाँ पे बैठ के मैं वही काम करूँगी. मसाज वाला मैंने यहाँ पे लगा लिया. यार जो मेरे मसाज के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना पैरों के लिए अमेजोन से ख़रीदा मैंने बेचारा फट गया है ख़राब हो गया. और किताब पढ़ूँगी थोड़ी देर में. किताब पढ़ रही हूँ मैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद डिवाइन पावर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ये और मैंने 3-4 किताबें ऑलरेडी पढ़ी. एक्चुअली इस महीने में ही मैंने 5-6 किताबें पढ़ ली हैं. ज़्यादातर उसमें थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नंबरोलॉजी के बारे में एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड कुछ मेरी हेल्थ के बारे में. मैंने ना सोच रही थी कि मैं लिस्ट बनाऊंगी मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ पर मैंने लिस्ट नहीं बनाई है. पर मेजॉरिटी मेरी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैंने सारी ही लाइब्रेरी से ली हैं.
सो लाइब्रेरी में लिस्ट है कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं. सो एंड ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं इस साल. पर कुछ किताबें मैंने वहाँ पर बैठ के ही फिनिश कर ली थी. सो वो एक्चुअली मैंने स्टोरी बनाई थी, उसके हिसाब से मैं शेयर कर सकती हूँ. एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ा मैंने एस्ट्रोलॉजी एंड सन साइंस के बारे में. सो इसलिए मैं ना सोच रही थी कि मैं वर्गो पे एक वीडियो बनाऊँ. मैं इंस्टाग्राम पे आपसे पूछ भी रही थी कि करूँ, बहुत सारे दोस्तों ने यस कहा. तो यस, वर्गो पे बनाऊँगी, क्योंकि जो मैंने वर्गो के बारे में बुक्स पढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच करती है हमारी पर्सनैलिटी के साथ. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ. सो वो अफेक्ट है मेरे सन साइन का. अब ये किताब पढ़ते हैं, रिलैक्स करते थोड़ा सा, फिर ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे. सो मसाज वाले को ना ऊपर ही रख लूँगी, फिर मैं आराम में टास ला के बैठ से मैंने रजाई में रख लेती हूँ. पिक्चर रखी है मैंने अपनी एज अ बुकमार्क. ओके, सो जो चैप्टर में पढ़ रही हूँ वो फेरीज के बारे में है, कि आप फेरीज को मिलना चाहते हैं, फेरीज कैसी होती हैं, फेरीज क्या काम करती हैं, फेरीज के बारे में स्टोरी. मज़ेदार है ये, एक फेरी टेल जैसी है किताब. कह रही है कि अगर आप फेरीज के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो ना, तो बेस्ट प्लेस है फेरी के साथ कांटेक्ट करने के लिए वुड्स, माउंटेन्स, रिवर के पास, लाइक जंगल जैसी सिचुएशन में. और फेरीज उन लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर लेती हैं जो लोग बहुत काइंड होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, एंड इवन एनवायरनमेंट के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं. अगर आप वन ऑफ दोज हैं जो गर्वेज किधर भी सेट देते हैं, फेरीज को वो बंदे पसंद नहीं है. उसको वो पसंद है जो अगर कोई नहीं भी देख रहा है फिर भी वैसे ही है, अगर कोई देख भी रहा है तो फिर भी वैसे ही है, और एक्चुअल में अच्छे बंदे हैं जो काइंड हैं. अगर आप शैतान साजिश करने वाले हैं तो फिर आप उनसे काफ़ी दूर हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं. पर अगर आप प्यारे क्यूट हैं दिल वाले तो आप उनसे बात कर सकते हैं. सो यस, मैंने फेरीज के साथ बात करने की कोशिश की और मेरी बात कम्प्लीट हो गई. आई मीन मैं क्यूट हूँ. ओके, नहीं हुई है. I'm trying to contact them from many days. Nobody's listening. सोने के लिए जा रही हूँ मैं, आपको मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ. अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. बाय, आई लव यू.